राजधानी पटना में हो रही लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर आलोचना झेल रही पटना पुलिस ने पिछले दिनों हुई 3 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्तौल, कारतूस और चोरी की गई एक गाड़ी भी बरामद किया है। पुलिस को ये सफलता उस समय मिली जब ये अपराधी फुलवारी शरीफ इलाके में लूट और डकैती की साजिश रच रहे थे। ये सभी अपराधी कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं। वहीं माल सलामी इलाके में हुई गोलाबारी मामले का भी पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोली चलने की घटना से रिलेटेड है, जिसमें एक व्यक्ति सतीश उर्फ टकला, जिनका भी पुराना आपराधिक इतिहास है, इनको गोली लगी। और इसमें 3 अपराध कर्मी जो हैं उनको 2 हथियार के 3 हथियार के साथ और कुछ कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीसरा मामला जो है ये कांड जो है उसमें दर्ज है और आगे एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को कल निर्देशित किया गया है, उसमें आगे कार्रवाई। बना रहे हैं अपने सपनों का घर तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH57 से पूरब। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या आप बना रहे हैं अपने सपनों का घर तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार हैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजान सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरवेस्ट कंट्रोल डोरिया सोनापुर अररिया।